ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। सड़क पर बिखरा ये खून एक गरीब रिक्शा चालक का है, उस रिक्शा चालक का जिसका कसूर महज इतना था कि उसने उन युवकों से पैसे मांग लिए जिन्हें वो सवारी के तौर पर लेकर आया था। घटना गुलाबीबाग थाना से महज चंद कदम की दूरी पर एक हॉस्पिटल के सामने की है। चश्मदीदों के अनुसार उन्होंने गोली की आवाज सुनी और एक रिक्शा चालक को खून से लथपथ पड़े देखा। चश्मदीदों के अनुसार रिक्शा चालक दो युवकों को लेकर आया था और वो युवक बिना पैसे दिए जाने लगे तो रिक्शा चालक ने उनसे अपना किराया मांगा। इस पर उन दोनों युवकों में से एक ने रिवॉल्वर निकाली और रिक्शा चालक को गोली मार दी। सरेराहा हुई इस घटना से इलाके के लोगों में गुस्सा है। गेट नंबर एक गुलाबीबाग के पास दो बंदे रिक्शे वाले को गोली मार गए। वो रिक्शे पे बैठ के आ रही थी दो सवारी, दो लड़के थे। उन्होंने रिक्शे वाले ने किराया मांगा उससे, तो उन लोगों ने किराया नहीं दिया और उसको गोली मार गए। गुलाबीबाग थाने से महज चंद कदम की दूरी पर हुई इस घटना से इलाके के लोग दहशत में हैं। रिक्शा चालक की पहचान झारखंड के रहने वाले मन्नू राम के रूप में हुई है। घायल हालत में मन्नू को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे LNJP रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। मन्नू दिल्ली में कहां रहता है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है। मन्नू की पहचान उसका रिक्शा रिपेयर करने वाले शख्स ने की है। पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। मैम क्या हुई, वो जिंदा है? जी बिल्कुल कॉन्शियस है। कहां पे ले गए हैं? हमलावर कौन थे अभी इसकी पहचान नहीं हो सकी है। गुलाबीबाग थाना पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर उनके हुलिये के बारे में जानने की कोशिश कर रही है, साथ ही मन्नू के परिजनों को उसकी सूचना भेजने का प्रयास कर रही है। बहरहाल गुलाबीबाग थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ प्रदीप कोहली की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर